होप चिन्ह चुपके बनाए। कैसा लग रहा है पूजा, कैसा लग रहा है चूल्हे पे खाना बनाते हुए? तो ये तो देखो गाइस, अरे देखो तो गाइस ये देखो, पूजा बना रही है अपने घर पे चूल्हे पे खाना, बड़ा इंटरेस्ट लेके बना रही है ना। जलाया तो जाते ही नहीं है ना, अभी कराता भैया आ गए ऐसी कर लो। तो गाइस ये देखो, ये भी वो जेठानी जिन्होंने जबरदस्ती बिठाया है। तो गाइस ये देख सकते हो, ये रख दिया कोट पैंट्स, साथ में जो भी होता है अंडरगारमेंट्स के सारे कपड़े, और क्या क्या रखे हैं देखो हमारे में ना, ये भी दिए जाते हैं साबुन तेल कंघी और कॉलगेट वॉलगेट सब दिया जाता है। तिलक जा रहा है, आप कहीं कहीं टीका बोलते हैं, हमारे में तिलक बोला जाता है। ये वो देखो पीयू को, तो साबुन वाबुन सारी चीज़ जाती है, टूथब्रश से लेके ये सारा लड़के का सामान है। देख सकते हो ये रही एक भाभी, ये रही दूसरी भाभी, ठीक है मेरा सात भाभी है, मैं आठवें नंबर पे, तो मेरे से बड़ी सारी सास है, मेरा भतीजा, सारा सामान रखा जा रहा है। ये देखो सहरा है, ये टोपी में जो लगाते हैं सहरा बोलते हैं ना, ये तो पहनते हैं गले में, अच्छा माला सहरा बोलते हैं, नहीं नहीं माला, मुझे लगा उसमें लगाने वाला वो है, नहीं नहीं वो है। तो ये माला थी, ये रही दूल्हे की टोपी, तो गाइस ये देखो एक धोती भी दी जाती है, वो भी येलो कलर की, ठीक है ना, तो उस पर कलर चढ़वाया गया है, हाँ कलर चढ़वाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि येलो आती नहीं है, तो देखो हाँ मतलब घर पे इस पर कलर चढ़ाया गया है येलो कलर का, तो हमारे में शादी में नहीं पहनते, मैंने तो पहनी थी। तो सारा पैक हो चुका है, तो सूटकेस करते हैं बंद। अच्छा बेल्ट भी थी, तो
गाइस हम जा रहे हैं इस टाइम पे सोनिया का तिलक लेके। आप लोगों ने बोला था टीका वीका, सात गाड़ियाँ निकल चुकी है, आठवीं गाड़ी खड़ी सामने यार, तो मैं दिखा चुका घर हो रहा हमारा, ठीक है। ये जितने देख सकते हो सारे के सारे मेरे भतीजे हैं, और मैं बाकी तरह इसे तो आप जानते ही हो। और वहाँ से पूजा और सोनिया देख रही थी, ठीक है, वो देखो हिलता हुआ। तो यहाँ सब कुछ रेडी हो चुके हैं। परी भाई भाई ये लगा रखा ऊंट, हम राजी चाहिए हमारे गुरु हरि बोल, हाथी भी लगा भाई, हमारा हमारा करती। तो इस टाइम पे वहाँ मिल रहा था नाश्ता, इसे स्टार्टर बोल सकते हो आप, मतलब अच्छा था बॉक्स में, मतलब एक गुलाब जामुन था, बालूशाही थी, नमकीन का पैकेट था, और मतलब दो तीन चीज़ें और थी मेरे ख्याल से, मैं भूल गया, जैसे चिप्स चिप्स टाइप के होते ना वो सारे मिक्स चीज़ थे। बाद में फिर कोल्ड ड्रिंक अलग से सर्व करी गई थी, सारे खा रहे थे। तो ये देखो ये बैठा प्रकाश और ये बैठा मैं, अच्छा लगा। जूता खोल दो, खड़ा होकर पहना था, खड़ा होता है बोला चला बोल के पहनो, हमारा बाबू के चरण है सरवा धीरे धीरे, धीरे धीरे तो गाइस ये देखो ये रहा हाथी खड़ा एक साइड, ठीक है, बीच में मस्त डेकोरेट कर रखा था इन्होंने, ये सारा तिलक का सामान दिख रहा है आपको, तिलक चढ़ चुका है, और ये राइट साइड पे देख सकते हो बहुत बढ़िया सा, मतलब बैलून वाले थे और अच्छे लग रहे थे देखने में, और ये साइड वाला था ये खाने वाला था, और ये देखो ये रहा खाना जो लड़की के लिए आता है, और ये है मतलब जो सब्जी थी और पूड़ी थी ये लड़की के लिए आता है मेन, और मतलब घर में जितनी लेडीज़ें होती है ना उनके लिए आता है।
तो देख सकते हो भाभी बैठी है और ये पूजा और उसकी छोकरी सोनिया जिसकी शादी है इस टाइम पे। तो ये देखो पूजा और ये इन्होंने खाना ले लिया अपना, तो बैठ के यहाँ पर खाएंगी। और भी भाभी है, सबसे बड़ी भाभी है, तो ये ब्याह भी है, मतलब सारे के सारे जितने भी लाइन से होते हैं ना अपने, तो सारे पीढ़ी से जितनी घर की होती है सब खाते हैं। तो इस टाइम भाभी आ रही है पूजा पीछे से, मतलब ठीक है ठीक है, जितने के जितने होते हैं ना सारे के सारे, मतलब उन्हीं के लिए आते हैं लेडीज़ों के लिए। आपके वहाँ पे भी होता होगा ऐसे मेरे ख्याल से, तिलक में आता है लड़की के लिए मेन खाना, तो जितनी घर की सारी लेडीज़ होती है उन सबों के लिए होता है वो सारा खाना। तो अभी लाइन से सारे के सारे देखो दोनों खाने भी लेके बैठ गए, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे जल्दी, ठीक है। तो मेन तो सोनिया को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा सुबह से, ऐसा पूजा बता रही भाई बहुत ज़्यादा भूखी थी वो, क्योंकि ना जिस दिन तिलक होता है साथ को आता है खाना तो वही खाना खाते हैं और बाकी सारा दिन खाना नहीं खाते हैं, मेन खाना वही होता है, एक तरीके से फास्ट ही जाता है। तो ये देखो ये मेरी छोटी भाभी, तो देखो गौर से इन भूखे लोगों को, ये बैठे हुए थे तिलक का खाना खाने के लिए, ठीक है, पूरी सब्जी खाने के लिए बैठे हुए थे। तो कौन सा रात की 12 बज रही है और आते ही टूट पड़ेगी, सारी पूरी खत्म हो गई, सारी सब्जी खत्म हो चुकी, मम्मी मम्मी आया बेचारी लड़की के लिए था हैं, तो चलो और खाना खाने देते हैं। तो वो उनकी माँ खाने बैठ गई है, मतलब ये देखो ये मेरा फेस भी खाली होना चाहिए, भर पेट खा भी गई चार पूड़ी, ठीक है, इसलिए जैसे खाओ अपना स्टार्टिंग ये री देखो ये गई तब भी ये री ये भी खा गई सारी की सारी भाभी, अरे देखो मतलब एक भाभी और आ गई वो देखो खाना खा लिया और ये मेरी भाभी आ गई दोबारा खाना, भाभी आठ पूड़ी खा के और पूड़ी खा रही है भूख, और इन्होंने खा चुकी की आठ पूड़ी, ना ना आठ पूड़ी भाभी खा चुकी है, आठ पूड़ी खा के फिर आठ पूड़ी खाएंगी, मैंने वही छेड़ रहा था, ठीक है थोड़ा बहुत ऐसी, अब ऐसे चलता रहता है यार, मैं सबसे छोटा और देवर हूँ ना, तो इसलिए ना ये सारी सारी मेरे को छोड़ते रहते, मैं भी छोड़ते रहता हूँ बस, तो मज़ा भी आता है। और देखो ये पापा छत पर सोने गए थे ना, तो ये दो मेरे कार्टून परी और पी, ये दोनों के दोनों गए छत पर, इसको देखना फिर पापा को ही तकिया बना लिया है, दादा के साथ खेल देती ये देखो पीहू और परी की मस्ती अपने दादाजी को परेशान करते हुए, ये दोनों आ गए छत पे बिना बोले, देख सकते हो शुरू हो गया डांस का, वैसे गिर जाओगे।